मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। शब बीत गई है तो गुजर जाएगा दिन भी, हर लहजा जो गुजरी वो हिकायत न करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो कर्नाटक की सत्ताकशी में भाजपा को शिकस्त मिली और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन विजयी मुस्कान के साथ विधानसभा से बाहर निकली। कांग्रेस और जेडीएस ने मानो तय कर लिया था कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। शायद गोवा मणिपुर से कांग्रेस ने सबक ले लिया था कि केवल शिकायत करने से बात नहीं बनेगी, आगे बढ़कर निर्णायक कदम भी उठाने होंगे। उसे भरोसा था कि शब बीत गई है, यानी रात का अंधेरा बीत चुका है तो गुजर जाएगा दिन भी, और ऐसा ही हुआ। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में भाजपा सरकार के गठन के खिलाफ सुनवाई की और अगले दिन ये आदेश भी दे दिया कि 15 दिन की जगह वह शनिवार को ही बहुमत साबित करे। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर अदालत पहुंची जब प्रोटेम स्पीकर के रूप में भाजपा विधायक केजी बोपैया को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस का तर्क था कि बोपैया का रिकॉर्ड दागदार रहा है, लेकिन अदालत ने कहा कि केजी बोपैया प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे और उन्हीं की निगरानी में बहुमत परीक्षण यानी कि फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन कोर्ट ने ये निर्देश जरूर दिया कि विश्वास मत की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाए। बस इस निर्देश की देरी थी कि भाजपा के खेमे में हलचल मच गई और खबरें आने लगीं कि येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं, और ऐसा ही हुआ भी। तो आइए पहले देखते हैं कि क्या है फ्लोर टेस्ट और इससे पहले किन राज्यों में इसके होने की चर्चा रही। चुनाव में जब किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिले या किसी कारण से निर्वाचित सरकार के कुछ विधायक टूट कर अलग हो जाएं या गठबंधन टूट जाए, तो गवर्नर से निजी तौर पर निर्णय लेकर सरकार बनाने का दावा करने वाले दल को बहुमत साबित करना होता है। इस प्रक्रिया को ही फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण कहते हैं। इसमें विधायक स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर के सामने अपनी पार्टी के लिए वोट करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से खुली और पारदर्शी होती है। जब एक से ज्यादा दल सरकार बनाने का दावा करते हैं लेकिन बहुमत किसी के पास नहीं होता है, तो राज्यपाल किसी एक को बहुमत साबित करने का अवसर देते हैं। इसके लिए सदन में विशेष बैठक होती है जिसमें सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाता है। हालांकि यह विधायकों की मर्जी होती है कि वे बैठक में शामिल हों या ना हों। अगर पार्टी द्वारा व्हिप जारी हो तब आना जरूरी होता है, वरना अनुपस्थिति पर कार्रवाई हो सकती है। फ्लोर टेस्ट ध्वनि मत, ईवीएम या बैलेट बॉक्स किसी भी तरह से किया जा सकता है। यदि दोनों पार्टी को वोट बराबर मिलते हैं, ऐसे में स्पीकर का मत निर्णायक होता है। वह जिस दल को वोट देगा उसी की जीत होगी। पहले कुछ राज्यों में ध्वनिमत से फ्लोर टेस्ट करवाकर या विधायकों की सदस्यता रद्द कर बहुमत परीक्षण के दौरान खेल हो चुका है। जैसे 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। भाजपा के पास 122 विधायक थे जबकि बहुमत के लिए कम से कम 145 सीटें होनी चाहिए थी। शिवसेना को 63, एनसीपी को 42 और कांग्रेस को 41 सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिभाऊ बागरे को स्पीकर चुना गया और देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से पेश किया गया विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित घोषित किया गया। विश्वास मत पर मत विभाजन की मांग ठुकराने पर शिवसेना ने हंगामा किया था, जिस पर बीजेपी ने कहा था कि मत विभाजन कराने के लिए मांग विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विश्वास मत के पारित होने की घोषणा के तुरंत बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन शिवसेना या कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। हालांकि एक महीने के अंदर ही विपक्ष में बैठी शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन दे दिया और 10 मंत्री पद के साथ सरकार में शामिल हो गई। तमिलनाडु में भी फरवरी 2017 में भारी हंगामे के बीच सीएम पलानीसामी ने विश्वास मत जीता था। 122 विधायकों ने पलानीसामी का समर्थन किया था। उस वक्त तमिलनाडु विधानसभा में गुप्त मतदान को लेकर भारी हंगामा हुआ था। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां 1997 में बहुमत परीक्षण के दौरान मारपीट तक हो गई थी। 21 अक्टूबर का वह दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा गया। उस दिन विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच लात, घूसे, जूते, चप्पल सब चले। विपक्ष की गैर मौजूदगी में कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया था। कर्नाटक के बहाने फ्लोर टेस्ट के खट्टे तीखे प्रसंग फिर से खुलने लगे। वैसे बाकी राज्यों की याद न करें तो कर्नाटक ही इस तरह के नाटक का पहले साक्षी बन चुका है। मामला 2011 का है जब बीजेपी के 11 बागी विधायकों और 5 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेकर येदियुरप्पा सरकार को संकट में डाल दिया था। तब भी दांव येदियुरप्पा पर ही लगा था और उन्होंने एक हफ्ते में 2 बार बहुमत साबित करके दिखा दिया था। पहली बार उन्होंने ध्वनिमत से शक्ति परीक्षण जीता था, जिसे तत्कालीन राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद येदियुरप्पा को एक बार फिर विश्वास मत की परीक्षा से गुजरना पड़ा।
जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। और इस बार यानी 2018 के फ्लोर टेस्ट में भी येदियुरप्पा को पूरी उम्मीद थी कि वे विश्वास मत हासिल कर लेंगे, लेकिन वो इतिहास दोहरा नहीं पाए। दूसरी तरफ अगर बात कर्नाटक के राज्यपाल की करें तो जिस तरह से राज्यपाल वजूभाई वाला ने येदियुरप्पा को हड़बड़ी में शपथ दिलाई, उससे उनकी भूमिका पर ही सवाल उठे। और ऐसा क्यों ना हो, आखिर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और विश्वासपात्र रहे हैं। खैर, आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन है वजूभाई वाला। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला की राजनीतिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की है। वे 1971 में गुजरात में जनसंघ पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे संघ से 57 साल तक जुड़े रहे। 79 बरस के वजूभाई वाला आपातकाल के दौरान 11 महीने जेल में भी रहे हैं। वजूभाई ने अपनी राजनीतिक पारी राजकोट के मेयर के रूप में शुरू की थी। वे राजकोट से भाजपा के पहले मेयर थे। 1985 में वह पहली बार राजकोट पश्चिम सीट से गुजरात विधानसभा में बतौर विधायक चुनकर पहुंचे और 1990 में भाजपा और जनता दल की सरकार में पहली बार मंत्री बने। 1996 से 1998 तक 2 साल छोड़ दिया जाए तो वजूभाई 1990 से लेकर 2012 तक मंत्री रहे हैं। 6 दशकों से राजनीति में सक्रिय वजूभाई गुजरात भाजपा के 1996 से 98 और 2005 से 2006 में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी अपना पहला चुनाव लड़ने वाले थे, तब वजूभाई ने राजकोट की अपनी परंपरागत सीट उनके लिए खाली कर दी थी। बाद में नरेंद्र मोदी ने मणिनगर से चुनाव लड़ा तो राजकोट सीट उन्हें वापस मिल गई। वजूभाई वाला गुजरात के सबसे लंबे समय तक रहने वाले वित्त मंत्री रहे हैं और रिकॉर्ड 18 बार बजट पेश कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अलावा राजस्व और शहरी विकास जैसे बड़े मंत्रालय भी उनके पास रहे हैं। कर्नाटक का राज्यपाल बनने से पहले वर्ष 2012 में वे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष थे और 2014 में उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो वजूभाई वाला की संघ की पृष्ठभूमि और नरेंद्र मोदी से नज़दीकियों के चलते उन पर पक्षपात के आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस जेडीएस के दावे के बावजूद कुमार स्वामी को सत्ता से दूर रहने की कोशिश कर उन्होंने पुराना हिसाब किताब बराबर कर लिया है। तो क्या था ये पुराना हिसाब किताब, आइए ये भी देखते हैं। बात 1996 की है जब गुजरात में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वजूभाई वाला थे और सुरेश मेहता मुख्यमंत्री थे। शंकर सिंह वाघेला के पार्टी छोड़ने के बाद सुरेश मेहता सरकार संकट में घिर गई थी। तत्कालीन राज्यपाल कृष्णपाल सिंह ने मेहता को सदन में बहुमत साबित करने कहा था, लेकिन बहुमत साबित करने के दौरान सदन में हिंसा हुई और स्पीकर ने विपक्ष को निलंबित कर मेहता सरकार का विश्वासमत पारित करा दिया। लेकिन इसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को भेजी अपनी रिपोर्ट में मेहता सरकार को अल्पमत में बताया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की राय ली और उस आधार पर विधानसभा भंग कर दी। 22 साल बाद फिर वजूभाई वाला और एचडी देवेगौड़ा आमने सामने हुए। फर्क इतना ही था कि इस बार भूमिकाएं बदली हुई थीं। एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, जबकि सरकार बनाने के लिए न्योता देने का निर्णय राज्यपाल वजूभाई वाला पर था। उन्होंने भाजपा को न्योता दिया और यह कहा गया कि पुराना हिसाब चुकता हुआ। तो राजनीति में हिसाब किताब का अलग ही गणित है। यहाँ कोई भी हमेशा मुनाफे में नहीं रह सकता, कभी कभी घाटा भी उठाना पड़ता है, जैसे अभी भाजपा को उठाना पड़ा है कर्नाटक में। लेकिन क्या इस घाटे के कारण दक्षिण में पैर जमाने की उसकी कोशिशों को भी झटका लगेगा? क्या इससे मोदी शाह की विजयी जोड़ी को झटका लगा है? देखते हैं ये रिपोर्ट। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को भाजपा के मिशन 400 के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा था। देश के नक्शे को भगवा करने का दावा करने वाली भाजपा के पास इस वक्त दक्षिण का एक भी राज्य नहीं है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल दक्षिण के ये 5 राज्यों में से कहीं भी बीजेपी सत्ता में नहीं है। पुदुचेरी भी कांग्रेस के पास ही है। कर्नाटक में भाजपा पहले सत्ता में रह चुकी है, लेकिन वहाँ उसका नाम कम और बदनामी ज्यादा है। हालांकि 2014 में यहाँ 28 में से 17 लोकसभा सीटें उसने जीती थीं, फिर भी विधानसभा में पूर्ण बहुमत उसे नहीं मिला। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी और उसका वोट शेयर 8.5% था, लेकिन विशेष पैकेज न दिए जाने पर नाराज चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में यहाँ के राजनीतिक समीकरण काफी बदल चुके हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी को लेकर काफी आक्रामक भी हैं।
उन्होंने कर्नाटक की तेलुगु जनता को बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील भी की थी। जबकि आंध्र प्रदेश से अलग हुए तेलंगाना में राजनीतिक तस्वीर दूसरी है। यहां मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने देश में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने की पहल की है और इसमें वे बाकी विपक्षी दलों का सहयोग भी चाहते हैं, जिसमें एक हैं ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन पर बधाई दे रही हैं और वे कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में भी जाएंगी, यानी उन्हें कांग्रेस के साथ से कोई परहेज नहीं है। तब चंद्रशेखर राव भी गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाना चाहेंगे या भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक साथ देखना चाहेंगे, यह बड़ा सवाल है। वैसे सीटों की बात करें तो तेलंगाना में टीआरएस को 63 सीटें, कांग्रेस को 22 और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। यानी यहां भाजपा कमजोर स्थिति में है और टीआरएस कांग्रेस आम चुनाव में साथ आ जाएं तो कर्नाटक जैसी मजबूत स्थिति होगी। केरल में भी भाजपा अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी लहर का दावा होने के बावजूद भाजपा अपना खाता नहीं खोल सकी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओ राजगोपाल ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जीत हासिल कर पाने में नाकाम रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव में उसने एक सीट जीतकर खाता खोला है। वैसे 140 सीटों में मात्र एक सीट कोई खास प्रभाव नहीं रखती है। तो भाजपा के लिए कर्नाटक का शासन 2.5 दिन का झोपड़ा ही साबित हुआ है। भाजपा की शिकस्त से विपक्षियों के हौसले बुलंद हुए हैं कि जिस मोदी शाह की जोड़ी को चिर विजयी बताया जा रहा था, उसे परास्त करने का मादा अभी विपक्ष में बाकी है। अब आगे चुनाव में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एक शेर अर्ज है, देख रफ्तारे इनकलाब फिराक, देख रफ्तारे इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।